हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड प्रियंका एंड यू आर वाचिंग फेमस टॉक विद प्रियंका। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे अपने सारे प्लांट शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, ये मेरा चिली का प्लांट है और ये टोमेटो का प्लांट है। इसमें आपको दिख रहे होंगे कि फ्रूट्स भी आ चुके हैं और चिली तो काफ़ी अच्छी मेरी निकल गई है इस बार। और मैं आपको और दिखाती हूँ कि ये भी टोमेटो का प्लांट है और ये छोटे से पॉट में लगा है, जो बॉटल के पॉट होते हैं उसको मैंने कट करके लगाया है। और एक ये देखिए, इसी में एक बेबी टोमेटो भी निकला हुआ है। तो दोनों हमारे टोमेटो अच्छे काफ़ी निकल आए हैं। और ये भी देखिए, चिली का प्लांट है। ये मैं आपको प्लांट दिखाती हूँ, देखिए इसमें चिली भी आ चुकी है। और ये पॉट देखिए, बिल्कुल बस बॉटल को कट करके मैं इसे कलर कर दिया है और इसी में लगा दिया है कि ये भी मैंने बॉटल में लगाया है। इस प्लांट का मुझे नाम नहीं पता, ये बस मुझे देखने में अच्छा लगा तो मैंने पार्क से इसे ले लिया था। तो अगर आपको इसका नाम पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा जेट प्लांट है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही कम प्लांट जो है वो ख़रीदे हैं, बाकी सब मैंने इधर उधर से लिए हैं। ये भी देखिए स्नेक प्लांट है और ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इसकी रिपॉटिंग की है, इसलिए थोड़ा ड्राई सा हो रहा है। ये देखिए, अभी मेरा बॉटल में लगाया हुआ मनी प्लांट है जो काफ़ी अभी बढ़ गया है। तो मैं ज़्यादातर प्लांट अपने पॉट में, डिब्बे में, बॉक्स में ऐसे ही लगाए हैं। और ये देखिए, ये मेरा सदाबहार का प्लांट है। ये देखिए हिबिस्कस का है और इसको भी मैंने रेनी सीजन में बस एक स्टिक लगाई थी इसकी, और ये भी काफ़ी अच्छा बढ़ गया है मेरा प्लांट ये। और इसमें एक देखिए, आपको दिख रहा होगा कि एक बर्ड भी आ गया है। इसमें फ्लावर भी खिलते हैं लेकिन अभी इसमें बर्ड है। और ये देखिए, ये मैंने इसमें मिंट लगाया था। मिंट मैंने अभी इसकी हार्वेस्टिंग कर ली, इसको कट कर लिया, तो इसमें भी कम दिख रहे होंगे आपको, नहीं तो ये काफ़ी बड़े हो गए थे मिंट। और ये मेरा करी पत्ता है, इसकी भी एक अलग ही कहानी है जो मैं अभी आपसे शेयर करूँगी वीडियो में। और ये देखिए, इससे ही मैंने स्टिक कट करके ये मिंट दूसरे बास्केट में लगाया, तो इसमें भी अच्छे खासे मेरे मिंट निकल आए हैं। तो ऐसे ही मैंने सारे अपने पॉट लगा रखे हैं। ये मेरा गार्लिक का है और ये अभी ड्राई हो गया है, तो इसको भी मैं निकालूंगी अब। इधर मेरा ये एलोवेरा और ये तुलसी का प्लांट, तो सारा मैंने ऐसे ही लगा रखा है। और ये है मेरा जेट प्लांट, एक मैंने आपको पहले दिखाया था, और एक ये भी है। ये पॉट का वीडियो मैंने आपसे शेयर किया है पहले भी, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां जाके मेरा ये पॉट को कैसे डेकोरेट करना है वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो मेरे कड़ी पत्ते की ये स्टोरी है कि जब मैं इसको खरीद के लाई थी तो ये सही था, लेकिन 6-7 महीने के बाद भी इसमें कुछ ग्रोथ नहीं हो रही थी। और फिर बाद में ये नौबत आई कि बिल्कुल इसके पत्ते पीले पड़ के झड़ने लगे थे और मैं इसे फेंकने वाली थी। लेकिन फिर मैंने देखा विंटर के बाद जब रेनी सीजन आया तो इसमें न्यू बेबी स्टेम्स निकलने स्टार्ट हो गए, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। और मैंने देखा कि पेशेंस के बाद ही कोई प्लांट हमारा फ्रूट देता है और लीफ देता है। तो और कड़ी पत्ते में तो ये खास अच्छी बात है कि वो काफ़ी दिनों के बाद उसमें न्यू लीफ आती है, तो उसमें काफ़ी पेशेंस हमको रखना पड़ेगा। ये देखिए मेरा मनी प्लांट है, ये ऐसे ऊपर से मैंने इसको सीढ़ी पे लगा दिया ऐसे करके, तो ये पूरा ऊपर गया है। और ऊपर से फिर मैं इसको नीचे भी ले गई हूँ, तो ये पूरी सीढ़ी पे हमने रेलिंग पे इसे लगा रखा है। ये देखिए, यहाँ से फिर मैं इसको रोल कर दिया तो ये वापस इधर नीचे की तरफ जा रहा है। और ये देखिए, ये मेरा मनी प्लांट है। और मनी प्लांट का जैसे आप सबको पता होगा कि ये विंटर में इसकी जितनी सारी लीफ होती हैं वो ज़्यादातर गिर जाती हैं, और जैसे ही विंटर आपका ख़त्म होता है, समर स्टार्ट होता है आपका स्प्रिंग, उसके बाद ही इसके जो न्यू लीफ हैं वो आने लगते हैं। तो काफ़ी अच्छा हो गया मेरा अभी ये मनी प्लांट। इसमें भी देखिए, ये भी बॉक्सी है। ये देखिए मेरे सिंगोनियम के प्लांट हैं, और सिंगोनियम के बगल में ही मैंने ये हिबिस्कस एक ऊपर लगा के रखा था, और एक ये नीचे देखिए, इसमें भी आपको फ्लावर दिख रहा है जो मुरझा गया है। और ये स्नेक प्लांट है, इसमें आप देखिए बेबी प्लांट भी निकल आए हैं काफ़ी मेरे। और ये एलोवेरा का प्लांट, ये जो आपने ऊपर देखा था उसी का सेकेंड पार्ट है। और ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट, इसको भी मैंने अपने ड्राइविंग टेस्ट देने गई थी तो वहाँ से मैंने इसकी एक स्टिक तोड़ी थी, और देखिए अब इसमें से बेबी प्लांट साइड से निकल रहे हैं। और ये है मेरा सिंगोनियम प्लांट, इसको भी मैं पार्क से लेके आई हूँ, और देखिए अब कितना हरा हरा ये हो गया है। और ये इसकी मैंने अभी रीपॉटिंग की है वो बड़े वाले पॉट से, तो छोटे प्लांट में से छोटे पॉट में लगाया इसे स्नेक प्लांट को। और ये देखिए, मैंने अपनी बालकनी में बोतल को कट करके सारे ये प्लांट लगा रखे हैं, जेट प्लांट, एलोवेरा, मनी प्लांट। जैसे मैंने आपको बताया कि विंटर में मनी प्लांट की लीफ गिर जाती हैं, तो अभी इसमें अब न्यू लीफ आ रही हैं। तो मैं अगर अपने सारे पॉट काउंट करूं तो मेरे 40 से 50 पॉट मैंने लगा रखे हैं। तो आपको सबसे अच्छा प्लांट कौन सा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।